हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रीति। सो गाइस, मैं आपके लिए आज लेकर आई हूं हेयर मास्क। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो मैं बनाने वाली हूं बनाना मास्क, ठीक है। तो बनाना मास्क लेने के लिए बनाने के लिए मुझको चाहिएगा 1 बनाना। ये आपकी हेयर लेंथ पे डिपेंड करता है, आपको 1 बनाना चाहिए या 2 बनाना चाहिए। मेरी मीडियम लेंथ के हेयर है, सो मुझे 1 बनाना चाहिए। तो 1 बनाना हो गया। देन मुझे चाहिएगा कर्ट एंड मुझे चाहिएगा ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हो, तो आप, मैं टी ट्री ऑयल ले रही हूँ। आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। सो ये मेरे पास टी ट्री ऑयल है और मैं ये ले रही हूँ। इसमें विटामिन ई है, ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मैं ये डाल रही हूँ तो मैं विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है वो मैं नहीं डालूँगी। अगर आप कोई और ऑयल डालते हैं आप उस पर देख लीजिए, अगर विटामिन ई है वो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैप्सूल ऐड करने की। सो नेक्स्ट है मेरे पास हीना पाउडर। मैं हीना पाउडर ऐड करूँगी इसमें। तो मेरे पास पतंजलि का केशकांति हर्बल मेहंदी पाउडर है। तो ये मेरा 35 रुपीज़ का आया था और ये 100 ग्राम है। अगर आपको ये चाहिए आप ये ले सकते हैं। आपके पास जो भी ऑर्गेनिक मेहंदी पाउडर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। सो मेरे पास ये 4 चीज़ें हैं। मैं इन 4 चीज़ों से अपना हेयर पैक बनाऊंगी अभी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक जार, क्योंकि मेरे पास बनाना है तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको पील कर लूँगी। क्योंकि गाइस अगर मैं इसको हाथों से ब्लेंड करने बैठूँगी तो गाइस इसमें लंग्स रह जाते हैं जो हेयर में चिपक जाते हैं, बहुत गंदे लगते हैं वो। तो मैंने इसको पील कर लिया है और मैं इस जो छिलका है मैं इसको फेंकूँगी नहीं, मैं इसका यूज़ करूँगी, मैं इसका स्क्रब करूँगी। आपको जैसे मैंने बताया था आई पैक भी बना सकती हूँ मैं इसे, तो मैं इसका यूज़ करूँगी, मैं इसको फेंकूँगी नहीं। तो ये वाला पार्ट है, बट मैं हेयर में चाहिए तो हम इसको ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पर खाँटते नहीं हैं इसको, तो मैं हेयर के लिए ले लेती हूँ इसको। ये कल का था, मैंने कल फ्रिज में स्टोर कर लिया था। तो ये हो गया 1 बनाना एंड मैं इसमें डाल रही हूँ 2 स्पून कर्ड। बनाना हमने लिया है गाइस, बनाना में होता है पोटेशियम। ये बहुत अच्छा होता है हमारी बालों के लिए, हमारी हेयर लेंथ के लिए भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें जो हमें मिलते हैं। एंड नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ ऑयल। ये जो ऑयल है ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज करेगा, हमारे बालों को पोषण देगा और शाइनी भी बनाएगा। तो मैं इसमें 2 स्पून टी ट्री ऑयल के ले रही हूँ, 1 स्पून गाइस, मैंने 2 स्पून इसमें ऑयल लिया है। एंड मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मेरा हीना पाउडर। हाथों से करने बैठूंगी तो गाइस मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, फिर भी मेरे बनाना में लंग्स रह जाएंगे गाइस। तो ये मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती हाथों से, फिर भी मुझे रिज़ल्ट, मेहनत करके भी रिज़ल्ट ना मिले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए मैं इसको अपने ग्राइंडर से, ग्राइंडर की हेल्प से कर रही हूँ। मैंने ग्राइंड कर लिया है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अगर आपका जो पैक अच्छे से ना बन पाए तो थोड़ा सा अगर आपको ऐड करना हो कट तो कर लीजिए, क्योंकि गाढ़ा नहीं चाहिए हमें ज़्यादा, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए हमें पेस्ट, ना ज़्यादा पतला चाहिए।
मीडियम का चाहिए हमें, तो मेरा जैसा मुझे जैसा चाहिए पीस, मेरा रेडी हो चुका है। सुबह से हटा देती हूँ, हटा देती हूँ। सो ये पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, मैं इस पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देखिए मेरा जो हेयर पैक है वो काफ़ी स्मूथ और बिल्कुल अच्छा बन चुका है, और इसमें एक भी लंग्स नहीं है बनाना का, बिल्कुल भी लंग्स मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। ये मेरा पेस्ट बहुत अच्छा बना। सो चलिए, आप इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको हिलाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये मेरा हेना पैक रेडी हो चुका है, ये बहुत अच्छा है गाइज। और इसमें मैंने बनाना डाला है, तो इसमें ये पोटेशियम मिल गया हमें, और हमने कर्ड डाला है, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड जो काफ़ी अच्छा होता है गाइस। और इसमें हमने डाला है ऑयल, ऑयल हमारे बालों को मॉइस्चराइजिंग में हेल्प करेगा, हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज करेगा। इसमें मैंने मेहंदी डाली है जो कंडीशनर का काम करेगी गाइस, बहुत अच्छा इफेक्ट देगी, आपके बालों को शाइनी बनाएगी, एंड ये आपको नेचुरल कलर भी देगी, ही ना आपको कलर भी देगी। एंड आपको कुछ नहीं करना, इन सबको मिलाइए, अच्छा सा ग्राइंड कीजिए, एंड आपका पैक रेडी है। ये थोड़ा सा मेरे स्पून में रह गया था ना, इसलिए थोड़ा सा रह गया, मैंने स्पून से इसको छुड़ाया है। वैसे मेरा पेस्ट बिल्कुल एकदम बढ़िया बना है, वो मैंने स्पून में से निकाल लिया क्योंकि मेरा पेस्ट वेस्ट जाता, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, मैं उसको वेस्ट नहीं कर रही हूँ। सो आप ये सब लगाइए, ट्राई कीजिए, आपके बालों को कंडीशन भी मिलेगा, कलर भी मिलेगा, शाइनी भी होंगे, स्ट्रॉन्ग हेल्दी नेचुरल कलर मिलेगा इससे आपको। और आपको ये क्या करना है, इसको अप्लाई करने से पहले आपके बालों को शैम्पू कर लीजिएगा इस पर, क्योंकि जो वॉश्ड हेयर है ना, क्लीन हेयर, आपको उन हेयर पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है गाइस। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इस पैक को लगाएं तो उसके बाद आप ना शैम्पू ना लगाएं, नॉर्मल प्लेन वाटर से, टैप वाटर जो होता है नल का पानी, आप उसे वॉश कर लीजिए, देन इसको नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है, उस डे आपको शैम्पू नहीं करना, और कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं, कंडीशनर तो ये खुद काम करेगा। एंड अप्लाई कीजिए, इसको लगाइए, या पहले अपने हेयर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, देन इस साइड लगाइए, स्कैल्प में लगाइए, पूरी रूट तक लगाइए, पूरी जड़ों से लेके पूरे नोक तक लगाइए, अच्छे से अपने हेयर्स पे लगाइए, देन आप बॉय है तो आपको लगा कर छोड़ दीजिए, गर्ल है तो आप एक बन बना लीजिए, जूड़ा बना लीजिए, और उसको आप एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए इसको अपने हेयर पर छोड़ दीजिए, देन आप प्लेन वाटर से इसको वॉश कर लीजिए, बस इतना ही है। और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, ये बहुत अच्छा हेयर पैक है गाइस। और जैसे जो लोग एग खाते हैं ना, जो एग लगा सकते हैं, तो जो कर्ड की जगह आप एग भी डाल सकते हैं, बट मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं यहाँ पे कर्ड का यूज़ किया है। अगर आप एग यूज़ कर सकते हैं तो आप 1 एग उसको तोड़िए, उसमें जो येलो वाला पार्ट होता है ना, कर्ड को स्किप करके आप वो ऐड कर लीजिए, सो और उसको ब्लेंड दे दीजिए अच्छा सा, सो आपका हेयर पैक रेडी वो भी हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम अपने बालों को काटने का मैंने बताया है, अपनी जितनी भी वीडियो बनाई है हेयर्स की, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपने हेयर्स में 100 टाइम कॉम ज़रूर करनी है, कॉम योर हेयर 100 टाइम्स अ डे, एक दिन में आपको 100 टाइम कॉम ज़रूर करनी है। जब भी आपको टाइम मिल जाए, वॉक करते करते कर लीजिए, टीवी देखते देखते कर लीजिए, या कुछ भी आप वर्क कर रहे हो, आप ज़रूर कीजिए। सो आशा करती हूँ आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, मेरा हेयर पैक आज आपको अच्छा लगा होगा, सो थम्स अप का बटन दबा दीजिए। ओके देन, बाय बाय।